सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे टेक्स्ट वीडियो फाइल, तो सैंपल कलर्स में जाएंगे, व्हाइट कलर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन के ऊपर, देन राइट क्लिक करके ड्यूरेशन में जाके इसकी ड्यूरेशन को हम लोग इंक्रीज करेंगे 30 सेकंड पे, एंड देन हम लोग थोड़ा सा जूम करेंगे हमारी टाइमलाइन के ऊपर। अब हम लोग जाएंगे टेक्स्ट के अंदर और डिफॉल्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, डिफॉल्ट टाइटल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन के ऊपर, देन इस पे डबल क्लिक करेंगे, टेक्स्ट के कलर को हम चेंज करेंगे ब्लैक पे, एंड देन हम लोग फॉन्ट को चेंज करेंगे रोबोटो स्लैब, एंड टेक्स्ट के साइज को हम लोग डिक्रीज करेंगे, एंड देन हम लोग यहाँ पे अब टेक्स्ट एंटर करेंगे। सो जैसे मैं टेक्स्ट एंटर कर रहा हूँ, फिल्म बाय एबी प्लैनेट, आप कोई भी टेक्स्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पे, एंड देन हम लोग टेक्स्ट स्पेसिंग को इंक्रीज करेंगे 7 पे, एंड देन हम लोग क्लिक करेंगे एडवांस पे, एंड यहाँ से हम लोग जाएंगे एनिमेशन में और स्टिंग को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और इसके ड्यूरेशन को हम लोग सेट करेंगे। आप लोग इसके ड्यूरेशन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, देन ओके प्रेस करेंगे। अब गाइज इस क्लिप को हम लोग कॉपी करेंगे और प्ले हेड को इस क्लिप के एंड में लेके आएंगे एंड पेस्ट करेंगे, एंड अगेन एक और बार पेस्ट करेंगे और क्लिप को शिफ्ट कर देंगे सेकंड लेयर पे एंड दूसरी क्लिप को ड्रैग करके इसके नीचे अलाइन कर देंगे। अब गाइज हम लोग ऊपर वाली क्लिप को एक्सटेंड करेंगे टिल 8 सेकंड, एंड सेम चीज हम लोग नीचे वाली क्लिप को करेंगे 8 सेकंड तक हम लोग इसकी ड्यूरेशन को एक्सटेंड करेंगे। अब गाइज डबल क्लिक करेंगे और इसकी पोजिशन को चेंज करेंगे, प्लस हम लोग इसके टेक्स्ट को चेंज करेंगे, एंड टेक्स्ट को जो हमने रेगुलर पे रखा हुआ था उसको थिन पे कर देंगे, एंड टेक्स्ट स्पेसिंग को हम लोग यहाँ से रिड्यूस कर देंगे, साथ में हम लोग टेक्स्ट की साइज को भी यहाँ से रिड्यूस कर देंगे, एंड देन हम इसको अलाइन करेंगे इसकी पोजीशन पे, एंड देन नेक्स्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग टेक्स्ट को चेंज करेंगे, प्लस टेक्स्ट के साइज को यहाँ से चेंज करेंगे, एंड देन इसको अलाइन करेंगे हम लोग प्रीवियस टेक्स्ट के नीचे, नीचे वाले टेक्स्ट को थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे, एंड देन हम लोग हमारी टाइमलाइन से थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, एंड देन इन दोनों टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, प्ले हेड को एंड पे लेके आएंगे और पेस्ट कर देंगे। सो सेम प्रोसेस हम लोग आगे भी यूज करेंगे, जो आपको टेक्स्ट एंटर करना है वो अब आप यहाँ पे टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। सो ये प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे जब तक आपको जो टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है वो टेक्स्ट पूरे ना हो जाए। सारे टेक्स्ट एंटर करने के बाद में अब हम इस फाइल को करेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कंप्लीट होने के बाद में हम लोग ये वाली फाइल्स को सबको कंट्रोल ए करके डिलीट कर देंगे, एंड देन अगेन हम लोग हमारे मीडिया फाइल्स में जाएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे जो हमने अभी टेक्स्ट वीडियो फाइल एक्सपोर्ट करी थी। अब गाइज हम वाइप वीडियो फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन के ऊपर और इसके ब्लेंड मोड को हम लोग चेंज करेंगे स्क्रीन पे, देन हम लोग इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन पे फर्स्ट लेयर के ऊपर हमारी वीडियो क्लिप के नीचे, और इमेज की ड्यूरेशन को हम लोग एक्सटेंड कर देंगे 8 सेकंड पे, देन इमेज के ऊपर हम लोग डबल क्लिक करेंगे, प्ले हेड को कुछ फ्रेम्स आगे लेके आएंगे, एंड देन हम लोग इमेज की स्केल को इंक्रीज करेंगे, एंड देन इसकी पोजीशन को हम लोग अलाइन करेंगे। पोजीशन अलाइन करने के बाद में हम लोग प्ले हेड को कुछ फ्रेम्स आगे लेके जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पे हमारा ट्रांजिशन कंप्लीट हो रहा है, और उस हिसाब से हम लोग हमारी इमेज को एक्सटेंड और कर देंगे। अगेन नेक्स्ट क्लिप को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, सो सेम प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे। जितना लंबा आपको ये इफेक्ट क्रिएट करना है उतनी ड्यूरेशन तक हम लोग ये सेम प्रोसेस यूज करेंगे। सारी क्लिप सेट करने के बाद में हम लोग इस क्लिप को एक्सपोर्ट करेंगे और मैं यहाँ से इसको नाम दे देता हूँ वाइप विद इमेज। एक्सपोर्ट कंप्लीट होने के बाद में हम लोग अगेन मीडिया में जाएंगे और यहाँ से राइट क्लिक करके इंपोर्ट करेंगे जो क्लिप हमने अभी एक्सपोर्ट करी थी उसको। अब गाइज हम लोग हमारी टेक्स्ट वीडियो फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारी टाइमलाइन के ऊपर। अब हम हमारी क्लिप के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसके ब्लेंड मोड को हम लोग चेंज करेंगे मल्टीप्लाई पे, एंड प्ले हेड को 5 सेकंड पे लेके जाएंगे और यहाँ पे हम लोग कट लगाएंगे, एंड नेक्स्ट कट हम लोग आएंगे 8 सेकंड के बाद में। सो रेस्ट ऑफ जितने भी हम लोग कट लगाएंगे वो हम लगाएंगे 8 सेकंड के बाद में, क्योंकि जो हमारी इमेज थी वो 8 सेकंड की थी। कट लगाने के बाद में हम लोग हल्का सा जूम करेंगे हमारी टाइमलाइन के ऊपर, एंड देन बैकग्राउंड फाइल को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टेक्स्ट वीडियो फाइल के नीचे वाली लेयर पे, एंड देन हम लोग हमारी टेक्स्ट वीडियो फाइल पे डबल क्लिक करेंगे और एनिमेशंस में जाएंगे, कस्टम्स में जाएंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग की फ्रेम, और यहाँ से हम लोग इसकी स्केल को इंक्रीज करेंगे, एंड देन हम लोग प्ले हेड को लेके आएंगे कुछ सेकंड आगे ऑलमोस्ट क्लिप के एंड तक, एंड देन यहाँ से इसकी स्केल को हम लोग रिड्यूस कर देंगे 70, एंड देन हम लोग हमारे की फ्रेम को एक्सटेंड करके क्लिप के एंड पॉइंट पे मैच करवा देंगे। अब गाइज हम लोग हमारी रेस्ट ऑफ क्लिप्स को सिलेक्ट करेंगे और उनको शिफ्ट कर देंगे हम लोग थर्ड लेयर के ऊपर। अब गाइज जो हमने वीडियो क्लिप क्रिएट करी थी इमेज के साथ में उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन के ऊपर, प्ले हेड को हम लोग 4 सेकंड पे लेके जाएंगे, एंड क्लिप के ऊपर हम लोग डबल क्लिक करेंगे, वीडियोज में जाएंगे और इसके ब्लेंड मोड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई पे, एंड देन हम लोग 4 सेकंड पे कट लगाएंगे एंड डबल क्लिक करेंगे हमारी क्लिप के ऊपर, प्ले हेड को स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाएंगे।
अगेन हम लोग जाएंगे एनिमेशन में और की फ्रेम को हम लोग यहाँ पे एड करेंगे एंड इसकी स्केल को हम लोग इंक्रीज करेंगे 200 पे एंड देन प्लेहेड को कुछ सेकंड आगे लेके जाएंगे और यहाँ पे हम लोग इस क्लिप की पोजीशन को डिफाइन करेंगे। पोजीशन अलाइन करने के बाद में हम लोग ओके पे क्लिक कर देंगे। देन मेन बैकग्राउंड को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सबसे नीचे वाली वीडियो लेयर के ऊपर। इसको श्रिंक करके हम लोग क्लिप के साइज के साथ में मैच करवाएंगे और सेम प्रोसेस इस पे भी यूज करेंगे। सेम तरह के की फ्रेम्स हम लोग इस पे भी लगाएंगे। सो की फ्रेम्स एड करेंगे, इसकी स्केल को इंक्रीज करेंगे 200 पे एंड देन इसकी पोजीशन को भी हम लोग उसी तरह से अलाइन करेंगे जैसे कि हमने इसके ऊपर वाली वीडियो क्लिप के अंदर अलाइन करी थी। सो सेम प्रोसेस हम लोग रेस्ट ऑफ क्लिप के ऊपर भी करेंगे। आप लोग अपने हिसाब से इसको की फ्रेम्स के अंदर आप लोग एनिमेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप से, कि कोई इमेज के अंदर जूम हो रहा है, कोई इमेज के अंदर जूम आउट हो रहा है, या फिर राइट से, लेफ्ट से, अप से, डाउन से, आप किसी भी तरह के की फ्रेम से आप लोग एनिमेट कर सकते हैं इन क्लिप्स को। पूरी क्लिप को सेट करने के बाद में हम लोग जाएंगे ट्रांजिशन में और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे डिसॉल्व और जहाँ जहाँ पे हमने क्लिप के अंदर ट्रांजिशन लगाने हैं हम लोग वहाँ पे डिसॉल्व ट्रांजिशन सेट करेंगे। आप लोग अपने हिसाब से ट्रांजिशंस को सेट करेंगे कि आपको आपकी क्लिप में कहाँ पे डिसॉल्व ट्रांजिशन सेट करना है। अब गाइज हम लोग यूज करेंगे जो हमारे लेंस फ्लेयर्स हैं या फिर आप कह सकते हैं जो लीक लाइट्स हैं, उनको 6 तरह की जो ये लीक लाइट्स हैं, आप इनमें कोई भी लीक लाइट्स को आप लोग यूज कर सकते हैं। आप रैंडमली सभी लीक लाइट्स को यूज कर सकते हैं। सो जिस पैटर्न में मैं लीक लाइट्स को यूज कर रहा हूँ, आप भी ये सेम पैटर्न या फिर आप अपने हिसाब से अपने पैटर्न को डिफाइन करके ये लीक लाइट्स को आप लोग इन क्लिप के ऊपर सेट करेंगे। लीक लाइट के भी ब्लेंड मोड को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप लीक लाइट लगाएं तो उस पर डबल क्लिक करके आप लोग इसके ब्लेंड मोड को चेंज करें स्क्रीन पे। लीक लाइट लगाने के बाद में हम लोग सेलेक्ट करेंगे पार्ट क्लिप को और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टॉप लेयर के ऊपर एंड देन इस पे डबल क्लिक करके इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज करेंगे स्क्रीन पे एंड इसको हम लोग पूरी क्लिप के ऊपर यूज करेंगे। तो इसको हम लोग कॉपी एंड पेस्ट करके पूरी क्लिप के ऊपर सेट करेंगे एंड देन गाइज हम लोग यूज करेंगे स्क्रैच। तो स्क्रैच को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टॉप लेयर के ऊपर और इसकी पोजीशन को हम लोग वहां पे सेट करेंगे जहां से हमारी वीडियो क्लिप स्टार्ट होना शुरू हुई है, जहां से हमारे टेक्स्ट स्टार्ट होना शुरू हुए हैं वहां से हम लोग इसको सेट करेंगे और इस पे भी हम लोग डबल क्लिक करेंगे और इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज करेंगे स्क्रीन पे। इसके साइज को हम लोग मैच करवाएंगे हमारी मेन वीडियो क्लिप के साइज के साथ में और यहाँ पे हम लोग इसको कट करके एंड रेस्ट ऑफ पार्ट को डिलीट कर देंगे। अब गाइज इसमें हम लोग देंगे सिनेमैटिक बार। तो सिनेमैटिक बार के लिए इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे एंड यहाँ से हम लोग ओवरले के अंदर फ्रेम्स में जाएंगे और सिनेमा 21:9 को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टॉप लेयर के ऊपर और इसको हम लोग टॉप लेयर पे सेट करके और इसको एक्सटेंड कर देंगे वीडियो क्लिप के साइज के साथ में एंड देन हम लोग हमारी क्लिप को करेंगे एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में मैं यहाँ पे मेरी क्लिप को नाम दे देता हूँ फाइनल वीडियो और सिंपली मैं क्लिक कर देता हूं एक्सपोर्ट पे। तो अब हमारी क्लिप एक्सपोर्ट होना चालू हो गई है। तो अब गाइज हमारी क्लिप पूरी तरह से एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो सीधा चलते हैं डेस्कटॉप पे और देखते हैं कि जो हमने क्लिप क्रिएट करी है ये कैसी लगती है।